काबिल और रईस को लेकर रोशन परिवार और शाहरुख खान की टीम के बीच विवाद शुरू हो गया है। काबिल के प्रोड्यूसर ने आरोप लगाया कि शाहरुख की ओर से वादा खिलाफी की गई। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही थी, इसलिए दोनों के प्रोड्यूसर के बीच 50-50% स्क्रीन स्पेस शेयर की बात हुई थी। पर शुक्रवार को जब शाहरुख की फिल्म सिनेमाघरों में आई तो उसे 60% स्पेस मिला। वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म का स्क्रीन स्पेस सिर्फ 40% रहा। काबिल को इससे एक झटके में 150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। काबिल के हीरो ऋतिक रोशन ने भी इस विवाद पर कमेंट किया। उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, मैं दुखी हूँ, मैं पापा के साथ हूँ। हालांकि शाहरुख खान की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई कमेंट नहीं आया है। काबिल के प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने कहा, हम लोगों को इससे बहुत आश्चर्य हुआ, हम इससे बहुत दुखी हैं। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने पिछले हफ्ते सभी एग्जीबिटर्स से बात भी की थी, उन्हें 1 घंटे की फिल्म दिखाई थी और उनसे आग्रह किया था कि दोनों फिल्मों को 50% स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए। दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सभी जगह 50-50% स्पेस मिला, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में छोड़कर। राकेश रोशन ने कहा, ऐसा होने से हमें सीधे तौर पर 150 करोड़ का नुकसान हुआ। सभी प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑडियंस को इससे नुकसान हुआ है। कोई भी दोनों फिल्मों पर एक साथ पैसा खर्च करना नहीं चाहेगा। 60% 40% का अनुपात होने से कल हमारा कलेक्शन कम होगा, पर भगवान हमारे साथ है। थैंक यू गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी वायरल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और ला सकें आपके लिए। थैंक यू गाइज़।